लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन से टिकट मिलने की उम्मीदों पर पानी फिरने के बाद भी पप्पू यादव ने पूर्णिया का सियासी मैदान नहीं छोड़ा। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के आखिरी दिन गुरुवार को पप्पू यादव पूर्णिया सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। उन्होंने निर्दलीय पर्चा भरा है। इस बीच उन्होंने कहा कि निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ रहा है, कांग्रेस का समर्थन है, बहुत सारे लोगों ने हमारा पॉलिटिकल मर्डर करने की साजिश की है। मैं इंडिया गठबंधन को मजबूत करूंगा, मेरा संकल्प राहुल गांधी है। इंडिया गठबंधन में पूर्णिया लोकसभा सीट लालू यादव के हिस्से में गई है, जहां से बीमा भारती आरजेडी के टिकट पर चुनावी मैदान में है। बीमा भारती ने बुधवार को अपना पर्चा भर दिया है। बीमा भारती के नामांकन में पहुंचे तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव का नाम लिए बगैर कहा, जो हमारे खिलाफ है वो बीजेपी के साथ मिले हैं। वहीं आप गुरुवार को पप्पू यादव नामांकन कर दिया है। इसके बाद पूर्णिया में मुकाबला काफी दिलचस्प होने जा रहा है। 5 बार के सांसद रहे पप्पू यादव अपने समर्थकों के साथ शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए नामांकन पर्चा दाखिल करने पहुंचे। पप्पू यादव को लेकर कांग्रेस ने चुप्पी साध रखी है। इससे पहले निर्दलीय चुनाव लड़ने के सवाल पर पप्पू यादव ने कहा था कि उनके पास कांग्रेस का झंडा है और वक्त बताएगा। पप्पू यादव भले ही पहली बार विधायक मधेपुर जिले से बने थे, लेकिन लोकसभा पहुँचने के लिए पूर्णिया को चुना था। पप्पू यादव साल 1990 में पहली बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मधेपुरा की सिंगेश्वर सीट से विधायक चुने गए और एक साल के बाद 1991 के लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पूर्णिया से न केवल चुनाव लड़े बल्कि जीतकर सांसद बने। 1986 के लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव समाजवादी पार्टी के टिकट पर पूर्णिया से दूसरी बार जीतने में सफल रहे। 1999 के चुनाव में पप्पू यादव फिर से पूर्णिया सीट से निर्दलीय मैदान में उतरे और तीसरी बार सांसद बनने में सफल रहे। पप्पू यादव 5 बार सांसद रहे हैं, लेकिन पूर्णिया सीट से 3 बार चुने गए हैं। इसमें 2 बार निर्दलीय और 1 बार सपा से लोकसभा सांसद रहे हैं। इसलिए 2024 के चुनाव में पूर्णिया सीट से हर हाल में चुनाव लड़ना चाहते हैं। आरजेडी से भले ही बीमा भारती ने नामांकन दाखिल कर दिया हो, पर पप्पू यादव अपने स्टैंड पर कायम है और पूर्णिया से ताल ठोक दी है। पप्पू यादव पूर्णिया सीट छोड़ने के लिए किसी भी शर्त पर तैयार नहीं है, तो इसकी वजह यहां का सामाजिक समीकरण है। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में 60% हिंदू और 40% मुस्लिम वोटर हैं। जाति समीकरण की बात करें तो यहां 2.25 लाख से ज्यादा यादव और 1.25 लाख से ज्यादा सवर्ण आबादी है। इसके अलावा बड़ी संख्या में पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित मतदाता हैं। पिछड़ों में कोयरी वोटर भी अहम है। पप्पू यादव के चुनावी मैदान में उतरने से पूर्णिया का मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है।